हेलो, तो आ गए आप। कैसे हो? स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा साइंस टेस्ट। पार्ट 42। पहला क्वेश्चन, पक्षियों के हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी, फास्फोरस। दोस्तों, पक्षियों की हड्डियों में फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनका उपयोग होता है उर्वरक बनाने के रूप में। नेक्स्ट, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 21%, 21%। नेक्स्ट, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? ऑप्शन बी जल, वाटर। भाइयों बहनों, जल ही जीवन है, हमें जल की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं हीलियम। सेम गैस है, गोताखोर भी यही इस्तेमाल करते हैं और हॉस्पिटल में भी यही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह? ऑप्शन सी तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मित्रों, आप लोगों का स्कोर कम से कम 25 से अबाव जाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और ओजोन है? ऑप्शन ए एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन ए ओजोन। नेक्स्ट, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? ऑप्शन बी सड़ी मछली की तरह। नेक्स्ट, रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वल्नीकरण। नेक्स्ट, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी प्लास्टिक गंधक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है? ऑप्शन ए हरा। नेक्स्ट, रसायनों का सम्राट कहलाता है? ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए फ्लोरीन। नेक्स्ट, क्लोरीन की परमाणु संख्या है? ऑप्शन डी 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? ऑप्शन बी क्लोरीन। नेक्स्ट, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? ऑप्शन बी क्लोरीन।
नेक्स्ट, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन ए ब्रोमीन। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन डी आयोडीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन सी आयोडीन। नेक्स्ट, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? ऑप्शन बी क्योंकि यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। नेक्स्ट, शैंपेन और सोडे में बुलबुले होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? भाइयों बहनों, ये आपके लिए चैलेंज, अरे इसका सही जवाब बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप इसका सही जवाब बताएंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? ऑप्शन सी कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो दोस्तों, हमारा टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। आपके कितने सही जवाब बने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो बताते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप झूमते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।